घुट घुट के मरने से अच्छा है कि शेर की तरह और दिलेर की तरह मरना, दायर की तरह मरना उचित नहीं है। इसलिए लड़ेंगे न झुके हैं न झुकेंगे, न डरे हैं न डरेंगे, और जो जनता ने बहुमत दिया है उसका जनता को पाई पाई का जनता से को चुकती करके काम का दिखाएंगे। से गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी, डे वन से इनके खिलाफ साजिश हो रहा है पूरा, इस सरकार को अस्थिर करने का। तो ये भी एक साजिश ही क्या, ये लोग बहुत चीज उच्च हद तक इनको सफलता भी मिली है पूरा, तब है कि यहाँ के लोगों को जानना होगा। और जब कभी भी यहाँ का सीएम आदिवासी बना है तो उसको पूरा चलने नहीं दिया गया। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी को अपने सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस की किताबों को फिर से खोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट रूल या भारतीय जनता पार्टी 356 के तहत कोई जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करती है। हाँ, ये 356 की बात इसलिए याद करते हैं क्योंकि आज़ादी के बाद 100 से ज़्यादा बार 356 लगाकर राज्य सरकारों को चुनी हुई इन्होंने डिसमिस किया है। हमारा सिंपल टेक है, मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट आचरण किया, ये देश का पहला उदाहरण है कि एक मुख्यमंत्री ने खुद को उपकृत करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया है। और इन्हें पता है कि इनकी सदस्यता जाने वाली है क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है। पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जाता है? तो ये ध्यान भटकाने के लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी सेल्फी खींच रहे हैं, कभी बोट में वो यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ इनके एक नए नैरेटिव सेट करने का प्रयास है।